अलवर नगर परिषद की कार्यशैली इन दिनों विवादों में है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं, तो वहीं सफाई नहीं होने के कारण अव्यवस्था से लोगों को काफी परेशानियां देखनी पड़ रही है। शहर के नयाबास स्थित अग्रवाल छात्रावास के सामने मुख्य मार्ग पर पिछले एक महीने से गंदा पानी भरा हुआ है। महासभा के द्वारा नगर परिषद सभापति और कमिश्नर को लिखने में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति फिलहाल ये है कि गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और वाहनों की जो आवाजाही है वो लगातार हो रही है। कोरोना की बीमारी फैलने के बावजूद भी प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल का इस पर कहना है कि परिस्थितियों में अब भी अगर नगर परिषद 3 दिन में समाधान नहीं करता तो मजबूरन अग्रवाल समाज को आमजन के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। उसके सामने से आप देख रहे हैं कि दयनीय स्थिति हो गई है, और तब जब पूरे शहर में सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है बीमारियों को रोकने के लिए, उस स्थिति में पिछले 25 दिनों से ये दयनीय स्थिति है। इसके लिए चेयरमैन को, कमिश्नर साहब को और सभी लोगों को, नगर परिषद को बार बार लेटर दिए हैं, व्यक्तिगत सूचना दी है, और उनका जवाब ये आता है कि CSI साहब को भेज दिया है, वहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन पिछले एक महीने से दयनीय स्थिति है, दोनों तरफ के नाले बंद हो गए। आप देख रहे हैं रोड पर किस तरीके से निकल रहे हैं लोग, निकल रहे हैं रोड पर, पानी भरा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही असंवेदनशील जो है प्रशासन है। बरसात का पानी है ये, बरसात देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।